यार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं बनाऊंगी मुरमुरे का डुंडा। मैंने आधा किलो मुरमुरा लिया है और यहाँ आधा किलो ही गुड़ है मेरे पास और 200 ग्राम तिल है। अब आइए, मैं तिल को भूनती हूँ, इसमें तिल डाल दूंगी। इसको 2 मिनट के लिए रोस्ट करूंगी, इसको रोस्ट करूंगी तिल को। उसके बाद इसमें मैं आगे और क्या करना है आपको दिखाती हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि तिल मेरा हो चुका है, लेकिन कभी भी अगर हम मार्केट से तिल ले या कोई भी सामान घर का लाते हैं तो मार्केट के सामानों में कभी छोटी छोटी इसमें कंकड़ भी होती हैं, तिल में गंदगियाँ भी होती है, तो इसको एक बार अच्छे से साफ कर लें, तभी आप अपने खाना में यूज़ करें इसको। इसको मैंने अच्छे से साफ किया है, धो करके अच्छे से सुखा करके रख दिया था। अब मेरा तिल हो चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी। देख पा रहे हैं कढ़ाई को मैंने तिल निकाल लिया, कढ़ाई एकदम फ्रेश है। तो अब मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी। गुड़ को मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मोटा ले लिया है, लेकिन आपको इसको कूट लेना है। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी बस, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मेरी कढ़ाई गर्म थी तो इसलिए गुड़ जल्दी से पिघल जाएगा। और ये मेरे गांव का गुड़ है तो इसमें तिल और मूंगफली का दाना ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं मुरमुरा मैंने यहाँ रखा, तिल को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब मैं इसी मुरमुरे में तिल को अच्छे से मिला दूंगी, पूरे तिल को अच्छे से मिला दूंगी। और मेरा गुड़ अब पक ही गया है, या 2 मिनट में मैं गुड़ को मुरमुरे में मिलाऊंगी अच्छे से। मेरा अच्छे से पाक तैयार हो चुका है। अब मैं इसको मुरमुरे में डालूंगी और उसके बाद मैं डुंडा अच्छे से बनाऊंगी। 1-2 सेकेंड का और टाइम है, बस कंप्लीट है ये। तो जैसे देख पा रहे हैं अब मेरा गुड़ एकदम बन के रेडी है। अब मैं इसमें अच्छे से डालूंगी, अच्छे से मिक्स करती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, मिक्स करती जाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डेंजरस काम तो होता है। हाँ, क्योंकि 1 सेकेंड भी लेट हुआ तो ये सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका पाक जो है ना वो बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि झट से बनाओ और झट झट से इसको मिक्स कर दो, तभी आपका डुंडा कंप्लीट बन पाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा अच्छे से बन गया डुंडा। कभी भी आप अगर एकदम गर्म खोलता हुआ इसमें डाल देंगे मुरमुरे में तो आपका ये चिटकिटा हो जाएगा, चिट हो जाएगा, तो अच्छे से बनेगा नहीं। इसलिए थोड़ा ठंडा 2-3 मिनट तक उसको ठंडा होने दे, फिर आप लाई में अच्छे से गुड़ को मिक्स करेंगे तो आपका बहुत बेहतरीन डुंडा बनेगा। और इसमें तिल आप डालिए जो आपकी मर्जी है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ डालते हैं, जैसे आपको पसंद है वो डाल के आप अच्छे से बनाइए। देखिए मैंने एकदम अच्छे से परफेक्ट बना दिया है। अब मैं इसको देख रहे हैं मेरा डुंडा बनके एकदम फर्स्ट क्लास रेडी है। कहाँ से उठाऊँ मैं, ये देखिए एकदम फर्स्ट क्लास डुंडा बनके रेडी है। और आप खाइए, आराम से उठा लीजिए और खाइए, पूछिए मत। लेकिन लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, धन्यवाद, थैंक यू। आप मेरी हेल्प करिए, आगे बढ़ाइए मेरे को भी, मैं भी बना रही हूँ, समझ नहीं आता क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग बताते भी नहीं, कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं। करिए भाइयों, करिए मेरी बहनों, धन्यवाद।